हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो है सी टेट एग्जाम के बारे में है, जो 13 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके में से कुछ क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं क्वेश्चनों को तोड़ मोड़ कर उल्टा पुल्टा करके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा समीपस्थ विकास। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? उत्तर है संवेदी प्रेरक चरण। अगला क्वेश्चन, कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते, वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, ये संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? उत्तर है पश्च परंपरागत। अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा जिसे अवधारणा कहते हैं में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह समायोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? उत्तर है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आंकलन हेतु उपयुक्त है? उत्तर है बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि की नियमित प्रलेखीकरण। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। उत्तर हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? उत्तर हो जाएगा संरचनावादी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जाने। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? उत्तर हो जाएगा केवल वातावरण से। अगला क्वेश्चन, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। उत्तर हो जाएगा केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? उत्तर हो जाएगा प्रतिधारण। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है? उत्तर हो जाएगा यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार सीखना एक, उत्तर हो जाएगा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? उत्तर है एक पैर पर संतुलन करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? देखिए ये क्वेश्चन दो बार हो गया है, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय समय पर काम न करे क्योंकि
उत्तर हो जाएगा, संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों संवेदीय पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, यह किसके द्वारा है? तो यह उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। उत्तर हो जाएगा, एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। यह पिछले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यह सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। अगला क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा में पांच में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना पर प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या सुधार करना है? उत्तर हो जाएगा चिंतन कौशलों में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है, यह पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यह प्रश्न भी पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए देखिए हमने पहले भी कहा था प्रश्न सब वही हैं, लेकिन इन प्रश्नों को तोड़ मोड़ कर दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन प्रश्नों को तोड़ मोड़ दिया गया है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर आंकलन में शामिल होना चाहिए, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और दो साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं से आती हैं, वे क्या कहलाती हैं? उत्तर हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। इस क्वेश्चन को भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर हो जाएगा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है प्रस्तावित नहीं करती। उत्तर हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर है रोनाल्ड रोस। इस प्रश्न को भी पिछले प्रश्न में पूछा गया था, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी कौन था? उत्तर है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उत्तर है, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। अगला क्वेश्चन, रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है, उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? उत्तर हो जाएगा नारियल। अगला क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और दो साड़ियां खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? उत्तर हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। देखिए इसमें बहुत से प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षाओं का रिपीट किया गया है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। बच्चे बताते हैं कि हमें क्वेश्चनों को याद नहीं है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा गया है, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चनों को तोड़ मोड़ कर कुछ अलग तरह से दिया गया है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर हो जाएगा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
NCF 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती? उत्तर जाएगा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। पहला क्वेश्चन, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे? उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाते हैं? उत्तर हो जाएगा फाख्ता। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं? उत्तर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। उत्तर है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अब आपने देखा ही होगा ये सभी परीक्षाओं का मिसमैच है, ये सभी सभी परीक्षाओं के जितने भी 11 12 13 में पूछे गए हैं उन्हीं इन्हीं प्रश्नों को ऊपर नीचे करके पूछा गया है। इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।